नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं सिर्फ वे ही बड़ा काम कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास वाले लोगों की जिंदगी में तो सिर्फ धक्का मुखी संघर्ष ही लिखा है। ऐसी एक कहानी बता रहा हूं जिसके बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी। स्कूल की पढ़ाई लिखाई के बाद जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपना पढ़ाई का कार्यक्रम पूरा किया। पिताजी दवाएं का व्यापार करते थे। कॉलेज पूरा करने के बाद वह भी दवाइयों के काम में लग गए पिताजी के साथ। कुछ सालों तक काम करने के बाद इनको दिमाग में एक ख्याल आया कि जब मैं दूसरों की बनाई हुई दवाई को घूम घूम कर बेच सकता हूं तो फिर मैं अपनी दवाई की फैक्ट्री बनाकर क्यों नहीं बेचूं। 1982 में गुजरात के वापी में 10,000 रुपए लेकर इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ सन फार्मा की शुरुआत की। कंपनी का मार्केट अच्छा चला। इसके ठीक 10 साल बाद 2007 में कंपनी ने इजराइल की कंपनी टारो फार्मा को खरीद लिया और फिर 2012 में इन्होंने चेयरमैन और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। 2014 में रैनबैक्सी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी बन गई। आज ये हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक है। साल 2016 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। ये सब मुमकिन हुआ कैसे? इन्होंने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने एक नई और बड़ी सोच के जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो अब तो कर ही सकते हैं। पहला काम तो यही हो गया, खुद कुछ नया करने हिम्मत दिखाई। और वो महान शख्स हैं दिलीप संघवी। आप इन्हें इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। तो अब क्या सीख मिलती है? वही बात याद आती कि जो हौसले रखते हैं प्रिय साथियों, जिन लोगों के पास ये जज्बा और जुनून होता है कि हाँ हमें कुछ अलग करना है, उसके बाद यह बात आपको जरूर याद होगी कि पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आज आप भी थोड़ा सा जोखिम लीजिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ स्पेशल करिए, आपका दिन शानदार बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।